गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हेलो एल्किन की केमिकल रिएक्शंस अपनी चल रही थी, उसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या रिएक्शन विद लिथियम। तो रिएक्शन विद लिथियम अपन क्या बताते हैं, देखिए एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं लिथियम के साथ। लिथियम के साथ से हीट किया जाता है, तो लिथियम के यहाँ पे टू एटम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वन एल्किल हैलाइड के साथ। यानी एल्किल हैलाइड के साथ टू लिथियम के एटम रिएक्ट करेंगे, क्या होता है, वन लिथियम वन एक्स, लेकिन एल आई एक्स की फॉर्म में निकल जाता है, और क्या फॉर्म होता है, आर एल आई, एल्किल लिथियम, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखें। जिसे क्या बोलते हैं अपन, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। यानी एल्किल हैलाइड को किसके साथ हीट किया जाए, लिथियम के साथ। तो लिथियम के दो एटम आपको लेने हैं, वन लिथियम एक एक्स लेके एल आई एक्स की फॉर्म में निकल जाता है, और एक लिथियम यहाँ अटैच हो जाता है, यानी आर एल आई एल्किल लिथियम फॉर्म हो जाता है। ऐसे इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपकी आती है रिएक्शन विद सोडियम। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी बहुत ज्यादा, ये वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन इसे बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को अपन हीट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ हीट करेंगे, ध्यान दें, ये एल्किल हैलाइड आपने लिया, सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस, ड्राई इथर। तो एक एन एक एक्स लेके एन एक्स की फॉर्म में निकल जाए। अब अकेला आर बचे तो अकेला आर तो कुछ होता नहीं, ऐसे अकेला आर थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, मिथाइल थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। तो अपन क्या करेंगे, आर एक्स के टू मोलिक्यूल लेंगे, आर एक्स के टू मोलिक्यूल रिएक्ट करते हैं विद टू सोडियम एटम। तो क्या होता है, एन ए एक्स, एन ए एक्स यानी टू एन ए एक्स लिबरेट होता है, और आर आर आपस में अटैच हो जाते हैं, दो आर आपस में अटैच हो जाते हैं, नहीं क्या बन जाती है, एल्केन। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया इससे रिलेटेड, जैसे व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरोमेथेन, एक मिथाइल क्लोराइड, इज हीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मिथाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ हीट करें ड्राई इथर की प्रेजेंस में। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो यहां एग्जाम में आपको अगला टू मॉलिक्यूल लगा के नहीं देगा, वो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल क्लोराइड यानी आर एक्स सोडियम के साथ और ड्राई इथर, तो वुड्स रिएक्शन, तो इसके टू मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। तो किस तरीके से अपन बताएंगे, इसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड दो लेंगे, रिएक्ट करते हैं विद टू सोडियम एटम, प्रेजेंस किसकी, ड्राई इथर, NaCl, NaCl लिबरेट होगा, टू NaCl की मॉलिक्यूल लिबरेट, और ये CH3 आपस में अटैच हो जाएगा, यानी क्या फॉर्म हो जाएगी, एथेन। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जैसे क्लोरोमेथेन से एथेन बनाना है, कार्बन डबल करने है, ठीक है ना, वुड्स रिएक्शन यूज करनी है आपको। ऐसे आ जाएगी ब्रोमो एथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन, एथ से क्या बनाना है, ब्यूट बनाना है। तो अभी वहां कौन सी रिएक्शन आप यूज करेंगे, वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। तो वुड्स में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को हीट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो क्या बनता है, एल्केन। आरएक्स के इतने मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, हमेशा टू मॉलिक्यूल लेंगे, ध्यान रखें। इसका और एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि सपोज अकेले ने बोल दिया आपको आइडो एथेन, कि व्हाट विल हैपन व्हेन आइडो एथेन इज हीटेड विद सोडियम। आइडोएथेन क्या हो गया, CH3 CH2 I सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो एग्जाम में कंप्लीट द रिएक्शन में से ऐसे लिखा सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन, वहाँ आपको टू लगा के नहीं देता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है सोडियम और ड्राई इथर आ गया, मतलब रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है। तो किस तरीके से करेंगे इसे, टू मोलिक्यूल, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, CH3 CH2 I सोडियम के साथ प्रेजेंस किसकी, ड्राई इथर, NaI, 2 NaI के मॉलिक्यूल लिबरेट हुए आपस में, जोड़ दीजिए इन्हें,
CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स में कई बार इनको आपस में जोड़ने में गलती कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, CH3 CH2 और कैसे जोड़ देते हैं, CH3 CH2 ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखिए कैसे भी जोड़ो आप, कार्बन की वैलेंसी का विशेष ख्याल रखें। ठीक है ना, आपने ऐसे जोड़ दिया उल्टा तो वैलेंसी ज्यादा हो रही ना इस कार्बन की, तो ये CH2 कर दो और ये CH3 कर दो, बस काम हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड यानी RX को अपन हीट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राइथर। RX के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, टू मॉलिक्यूल अपने को लेने हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजन रिएक्ट विद टू सोडियम एटम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर टू फॉर्म एल्केन। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि क्लोरोएथेन से क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, क्लोरोमेथेन से क्या बनाना है, एथेन बनाना है, डबल कार्बन करने हैं, तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है, वहां पे वुड्स रिएक्शन यूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या हो, नेक्स्ट अपना आता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखो बेंजीन को अपन हीट करते हैं किसके साथ, हेलोल्किन के साथ, बेंजीन ली इसे किसके साथ हीट करते हैं, कोई भी हेलोल्किन जैसे क्लोरोमेथेन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3। क्या होता है ध्यान देना, बेंजीन में इस कार्बन के पास क्या होता है, एच होता है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। क्या हुआ, एच और सीएल, एच सी एल लिबरेट हुआ और ये मिथाइल जुड़ जाएगा यहां। क्या फॉर्म हो गया, मिथाइल बेंजीन। ये इसे क्या बोल सकते हैं अपन, बेंजीन पे जब CH3 जुड़ा हो इसे क्या बोला जाता है, टोलुइन, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं, टोलुइन। बेंजीन पे CH3 जुड़ा तो इसे अपन क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कर दी। ऐसे कोई भी एल्किल हैलाइड अपन ले ले, इथाइल क्लोराइड ले ले, कैसे खुश हो रहा है, टोलू तुम्हारा नाम आ गया क्या। बच्चे का नाम टोलू है यहाँ पे, तो ये खुश होता हुआ। बेंजीन की रिएक्शन अपन कराने किसके साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ करा दे, इथाइल ब्रोमाइड के साथ करा दिया सपोज, प्रेजेंस किसकी है, AlCl3। तो कोई भी एल्किल हैलाइड अपन ले, एल्किल ग्रुप जुड़ता है, सीधी बात है, HBr लिबरेट हुआ और इसे ऐसे कैसा जोड़ दो यहां। वही बात, बच्चे जोड़ने में गलती क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख के आ सकते हैं, तो ये तो वैलेंसी ज्यादा होगी ना इस कार्बन की, तो जोड़ना इस तरीके से था, ऐसे उल्टा जोड़ना था। आप कैसे भी जोड़े आप वैलेंसी का ख्याल रखो, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, इथाइल बेंजीन। ऐसे ही ध्यान रखें, और जैसे बेंजीन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है आपके सिलेबस में, ध्यान रखें बेंजीन CBSE में नहीं है इसकी, ये रिएक्शन CBSE बोर्ड में नहीं है और मैकेनिज्म भी नहीं है इसकी, ओनली RBSE में ही इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों ही सिलेबस में। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया मैंने, जैसे सपोज CH3 होल थ्राइस CCl, ये क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। लुईस एसिड की प्रेजेंस जरूर आपको रखनी है, AlCl3 प्रेजेंस रखनी है। क्या होगा, एच सी एल लिबरेट, लुईस एसिड की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, लोन पेयर गेन करता है, ध्यान रखें, अभी मैकेनिज्म में बताऊंगा आपको। ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन फॉर्म हो गया। तो ध्यान रखिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करते हैं अपन,
बेंजीन को हीट करते हैं किसके साथ, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड अपन बोल सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, AlCl3। HCl निकला, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ HBr निकला, इथाइल ग्रुप जुड़ा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ यदि अपन करा रहे हैं तो HCl निकला, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा, तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ही फॉर्म हो गया। AlCl3 क्या, हाँ NHydroxyAlCl3 लेते हैं हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो NHydroxyAlCl3, एनहाइड्रेस नहीं लिखो तो कोई भी इतनी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो एनहाइड्रेस।